यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर से चुनावी जनसभा की शुरुआत करने के लिए अगले दिन सोमवार को लखनऊ में मैदान में उतरे और वोट मांगे। उन्होंने मेट्रो से यात्रा कर सपा सरकार में लखनऊ में हुए कार्यों को गिनाया, साथ ही गोमती में गिरते गंदे नाले को दिखाते हुए भाजपा सरकार की नाकामियां गिनाई। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शाम करीब 6 बजे श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से प्रचार यात्रा पर निकले। वो सपा की महापौर पद की प्रत्याशी वंदना मिश्रा सहित अन्य नेताओं के साथ भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पहुंचे। इस बीच विभिन्न स्टेशनों पर खड़े पार्टी नेताओं और मेट्रो यात्रियों का अभिवादन किया और पार्टी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। साथ ही कुकरैल बंधे से आगे रिवर फ्रंट के पास पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया। बताया कि सपा कार्यकाल में बने मेट्रो स्टेशनों को भाजपा आगे नहीं बढ़ा पाई और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। केवल इसलिए कि समाजवादियों ने मेट्रो बनाई है लखनऊ में, इसलिए उस मेट्रो को उतना ही ठीक किया जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ। उसके आगे इस सरकार ने काम रोक दिया। आज अगर मेट्रो पूरे शहर में चल रही होती तो न केवल साफ सुथरा सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनता को मिलता, बल्कि सड़कों पे जो लगातार जाम लग रहा है, जाम से भी कहीं ना कहीं मुक्ति पाती ये राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की। लेकिन इस सरकार ने उतना ही दुश्मनी का व्यवहार किया और मेट्रो का काम आगे नहीं बढ़ाया। मैं ये कह सकता हूं ये पहली मेट्रो लखनऊ की होगी जो समय पर पूरी हुई और कहीं भी कॉस्ट नहीं बढ़ानी पड़ी। ये साफ सुथरा और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर किसी ने दिया तो समाजवादियों ने दिया। ये रिवर फ्रंट, ये आपकी मेट्रो, ये लखनऊ के विकास के और आगे ले जाते हैं। आज लखनऊ शहर में आईपीएल का मैच भी चल रहा है और वो ऐसा मैच है जो दुनिया देख रही है। बताओ, दुनिया को अगर कुछ देखने को मिल रहा है तो इकाना स्टेडियम में क्रिकेट देखने को मिल रही है। ये भी समाजवादियों की देन है। इसलिए केवल हम तीन काम गिना रहे हैं, तीन ही काम गिनाए मैंने। मेरी अपील है आपके माध्यम से लखनऊ के लोगों से और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कि समाजवादियों की मदद करें और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कूड़ा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने गंदगी दी है, नाले दिए हैं, हमारी नदियों को गंदा कर दिया और जो शहरों की सड़कें हैं तो उसमें जाम लगा दिया, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है और शहरों में सांड घूम रहे हैं। इधर तो चुनाव में कुछ इन्होंने किया है नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने गोरखपुर में सांड देखे सड़कों पर, जिस सड़क से गया उस सड़क पर सांड दिखाई दिए। इन्होंने पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को सांड के हवाले कर दिया। इसलिए सरकार के खिलाफ मतदान करें और जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको साइकिल चुनाव चिन्ह पर मदद करें। आज का संदेश यही है। ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है पानी के जहाज जैसी, इसके ऊपर जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ये हेलीपैड है। हमारे मुख्यमंत्री बहादुर बनते हैं लेकिन इस हेलीपैड पर नहीं उतर पाए, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग पे हेलीपैड पे उतरने में डर लगता है उनको, और उसका भी काम रोक दिया। अब क्यों काम रोक दिया? अब तो बनाने वाला भी बीजेपी में चला गया। कम से कम उसी पर रहम करो आप, जो बनाने वाला था वो बीजेपी में चला गया, कम से कम उसी पर रहम करो और इसको बजट दो जिससे ये बिल्डिंग भी हमें पूरी बनती हुई दिखाई दे। और देखिए, दिखावे के लिए मुख्यमंत्री ने गाड़ी भेजी, ये वाली भगवा रंग में ये गाड़ी इसलिए भेजी कि हमें और आपको गंदगी ना दिखाई दे, और ये गाड़ी भी चली जाएगी अभी। अगर इसको बेचा जाएगा तो इसी के हेलीपैड पर समाजवादी लोग जाएंगे, इसका विरोध करेंगे। किससे कह दिया? कोई नीति नहीं है, एजेंडा नहीं, बार बार ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं स्पेसिफिक आपसे पूछूंगा फिर उसका स्पेसिफिक जवाब दूंगा कि कौन कह रहा है बीजेपी का। उप मुख्यमंत्री पाठक ने आज कहा कि कोई नीति नहीं है। उनसे कहो अस्पताल ठीक कर लो, कहीं गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही है, स्टेशन नहीं दे पा रहे हो। आप लखनऊ में शहर में देख लो, लाखों लोग बिना दवाई बिना इलाज के वापस चले जा रहे हैं।
पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों को न ऑपरेशन हो रहा है, न दवाई मिल रही है, न इलाज मिल रहा है। ऐसे उपमुख्यमंत्री का क्या फायदा? ऐसे उपमुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए जो मुख्यमंत्री के अंडर काम कर रहे हैं, आए थे मुख्यमंत्री से ऊपर काम करने के लिए। और देखिए मुख्यमंत्री ने कैसा किया, उन्हें डिप्टी सीएम बना करके बजट भी काट लिया उनका। इसलिए बजट का रोना रोए जाकर के वहाँ, दूसरे कामों पे न चर्चा करें। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।